नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिफ्लाई न्यूज में। मैं हूं आनंद गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का वोटिंग आज सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाला जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग में कई मंत्री और कई नेतागण भी हिस्सा बने। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरी खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद में जिला उपायुक्त के निर्देश पर लगातार नकली शराब की फैक्ट्री पर उद्भेदन जारी है। इसी कड़ी में आज निरसा थाना क्षेत्र के गोड़गा बस्ती में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियुक्त विकास साहनी के यहाँ छापेमारी की गई। अपने घर से ही चला रहा था नकली शराब का संचालन। देखिए रिपोर्ट। आयोग के निर्देश एवं SSP धनबाद, उपायुक्त धनबाद के आदेश के आलोक में चुनाव के मद्देनजर प्रतिदिन उत्पाद छापामारी कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज निरसा में विकास सहनी अभियुक्त के घर से मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें 4 लीटर कैरामेल की बरामदगी हुई, 10 जर्किन स्प्रिट कुल 350 लीटर और विभिन्न ब्रांडों के शराब जिसे पैक किया गया था 124 लीटर करीब 14 पेटी बरामद की गई। लेबल, कैप आदि की भी बरामदगी की गई। इस छापेमारी दल में अमित गुप्ता, जितेंद्र, कुलदीप, श्वेता और जय हमरम उत्पाद विभाग के सम्मिलित थे। साथ में थाना के द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। अभियुक्त पूर्व का अभियुक्त है जिसका नाम है विकास सहनी। इसके ऊपर पूर्व में 4-4 केस ऑलरेडी दर्ज है और इसे फरार चल रहा है और इसे थाना और एक्साइज विभाग इसकी चारों तरफ इसकी तहकीकात करके इसको गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए। सर, नकली शराब था क्या सर? ये 100% नकली है। कितनी कमाल होगा लगभग सर? ये कितना है? कहाँ गया? कुल अनुमानित मूल्य 2.5 लाख के आसपास। करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की अनुमानित मूल्य होगी। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से हम अपील करेंगे कि दुकान से ही शराब की खरीदारी करें, अन्य स्थान पर शराब की खरीदारी करेंगे तो आपके साथ जान माल के साथ साथ सरकार के राजस्व की भी क्षति होगी। सर, आगे भी सर क्या कार्रवाई जारी रहेगी? कार्य पूरी चुनाव तक प्रतिदिन छापामारी कार्य जारी रहेगी। आप लोग द्वारा इतना अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह का लोग कर रहे हैं, तो मतलब किसका? जब तक करते रहेंगे, जब तक हम लोग नेस्तानाबूद नहीं करेंगे तब तक हम लोग का अभियान नहीं रुकेगा। जब से चुनाव शुरू हुआ तब से अभी तक कितने की बरामदगी हुई है ये आपको कुछ देर के बाद में रिकॉर्ड से देखने के बाद ही बता दिया जाएगा। तो देखते रहिए यूनिफ्लाई न्यूज, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगली खबर में। We'll be right back.